welcome back to our channel Fab Begna. This is about this Maybelline Fit Me Compact Powder. तो इसमें मेरे पास 6 शेड्स है एंड मैं इन 6 शेड्स की स्वाच करने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ, कंप्लीट डेमो दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट फर्स्ट. तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में यहाँ पे आपको मिलने वाली है एंड लिखा हुआ है मेबेलिन शेड का नंबर एंड फिट मी पाउडर, जहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 12 आवर्स ये आपकी ऑयल कंट्रोल करेगी. वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पाउडर इज दैट इट हैज SPF 28 and this retails for 199 rupees or isme aapko 8 grams ki product mil rahi hai and you can use this 2 years from the date of manufacturing and altogether you will be getting 7 shades, although I have only 6 shades and this is not a PR and nobody has sponsored this video. It's I have purchased all these shades myself with my own money. So anyway, this is quite damn affordable compact. इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक का बना हुआ है. इट्स नॉट फ्लिम्जी आई वुड से, इट्स क्वाइट अ गुड पैकेजिंग. ब्लैक कलर में है एंड इट्स रिटन हियर मेबेलिन फिट मी और शेड का नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड व्हाट इज द कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट डिटेल्स सब कुछ आपको पता चल जाएगा. एक्चुअली द पैकेजिंग इज क्वाइट नाइस एंड द स्पंज आपको मिलने वाली है, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी स्पंज एंड आई हैव यूज द स्पंज टूडे. और इसके साथ आपका ये जो शीट है, डेफिनेटली इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर है, शीट है एंड यू आर गेटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी मिरर. द मिरर इज क्वाइट गुड, इट्स वेरी क्लियर, इट्स एवरीथिंग इज विजिबल क्लियरली. इट्स क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली एंड इट्स क्वाइट स्टर्डी एंड नॉट अ फ्लिम्जी पैकेजिंग. नाउ before explaining the good things, let's first see the demo and the swatches. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो 6 shades है total मेरे पास, नायका में भी ये available है, Flipkart and Amazon में भी. सबसे पहला shade जो मेरे पास है वो है Ivory 115 and उसका shade ये है, थोड़ा सा pink undertone है. मैं आपको swatches दिखाऊंगी. फिर जो shade है वो है Warm Nude 128 एंड वो येलो अंडरटोन में है. नेक्स्ट जो शेड है वो है नेचुरल बेज एंड वो 220 है, ये भी येलो कलर में ही है. अब ये जो शेड है 230, ये है नेचुरल बफ, इसमें थोड़ा सा पिंक अंडरटोन है. इसके बाद है 310 सन बेज एंड ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क है, ब्राउन ब्रॉन्जर की तरह इसका एकदम शेड है. इसके बाद जो लास्ट शेड है वो है 330 टॉफी एंड दिस इज काइंड ऑफ अ ब्रॉन्जर. एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट शेड 115, ये कुछ पिंक अंडरटोन में है एंड उसका स्वाच मैंने किया था लेकिन बंद हो गया था मेरा कैमरा, तो मैं फिर से स्वाच कर रही हूँ. This is 115. You can see this has a lot of pink undertone. The next one is 128 and ye hai warm nude. This is 128. This has yellow undertone. Okay, I'm cleaning my hands so my hands are clean. Next shade is 220 natural beige. बहुत सिमिलैरिटी है एक्चुअली. मैं हाथों में यहाँ पे थोड़ा सा दोनों को स्वॉच करती हूँ क्योंकि गाल में उतना क्लियर नहीं आ रहा है. ये है 128 एंड ये है 220, दोनों में डिफरेंस देखना मैं भी चाहती हूँ. 19 और 20 का फर्क है, लाइक आई डोंट नो, थोड़ा सा ब्राउन अंडरटोन ज्यादा है. नेक्स्ट है 230 नेचुरल बफ, सो आई विल जस्ट स्वॉच इट हियर. ऐसे करने से आपको अच्छी तरह से दिखने को मिलेगी एंड दिस हैज अ पीच अंडरटोन. नेक्स्ट है 310 सन बेज ब्राउन, दिस वन. लास्ट शेड है मेरे पास वो है 330 टॉफी. यू कैन सी इट्स लाइक अ ब्रॉन्जर टू मी.
ओके मुंह में मैंने सिर्फ टोनर एंड मॉइस्चराइजर ही लगाया था. सो आई होप यू कैन सी ऑल द कलर्स आई हैव स्वॉच्ड. एंड हैंड स्वॉचेस मैंने कोशिश किया था बट उतना समझ में आपको नहीं आएगी, इसलिए फेस स्वॉचेस आई थिंक मच बेटर. सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट क्लीन अप माय फेस. एंड इस तरफ मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट को लगाने वाली हूँ, फिटमी कॉम्पैक्ट. एंड इस साइड में मैं फाउंडेशन के ऊपर लगाने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि क्या कवरेज मिलती है. सो यस लेट्स डू इट. और मैंने फेस क्लीनिंग कर लिया है एंड सिर्फ आईब्राउज एंड लिपस्टिक है आप देख सकते हो. एंड मैं ये स्किनलिशियस क्यूकम्बर जेल लगा रही हूँ पूरे अपने फेस में एज अ मॉइस्चराइजर एक्चुअली. मैं सिर्फ इस पोर्शन में प्राइमर लगाने वाली हूँ एंड दिस इज फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स, उसका स्टिक प्राइमर है. मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ लॉरेल पेरिस की इनफैलिबल फाउंडेशन. कि मैं एज अ कंसीलर ले रही हूँ यहाँ पे लॉरियल की इनफैलिबल फुल वेयर कंसीलर. स्पंज एप्लीकेटर है, मैं उससे इस साइड में लगाने वाली हूँ क्योंकि स्पंज से थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज मिलती है. एंड टू सी इफ दिस कैन ब्लर माई पोर्स एंड इफ दिस कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज. दिस इज नॉट अ पाउडर फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन में आपको कवरेज ज़्यादा मिलने वाली है, दैट इज़ ट्रू. बट कॉम्पैक्ट में भी कुछ कवरेज मिलने चाहिए. ओके ब्रश से मैं नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि ब्रश से आपको कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है. सो या आई एम टेकिंग दिस एंड 115 में लेने वाली हूँ. ओके सो दिस इज द शेड. ओह वाओ दिस इज अमेजिंग गाइस. आपने देखा है कि जब मैंने लगाया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंड इट्स सच एन अमेजिंग कवरेज. यहाँ पे फाउंडेशन है एंड यहाँ पे कुछ फाउंडेशन नहीं है, उसके बावजूद जस्ट सी द कवरेज. एंड मेरे जो एक्ने मार्क्स है, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है एक्ने मार्क्स के, बट स्टिल इट हैज़ अ ब्यूटिफुल कवरेज, ब्यूटिफुल. एंड इट्स नॉट ओवर ड्राइंग ऑल्सो, यू कैन सी अ शाइन ऑल्सो देयर. एंड मेरे नोज एरिया में बहुत बड़े बड़े पोर्स है, बहुत ही बड़े बड़े. एंड यस इट हैज़ ब्लर्ड द पोर्स, नॉट कम्प्लीटली, बट या आई एम सो हैप्पी, आई एम हैप्पी. लाइक बहुत ही हद तक, काफ़ी हद तक मेरे पोर्स को इसने ब्लर कर दिया. एंड सी लुक एट माई स्किन, इट्स लुकिंग सो नाइस. तो इस साइड में मैं लगाने वाली हूँ Definitely ये वाला शेड स्पंज एप्लीकेटर को यहाँ से. ओके मैं फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ से मैं लगाने वाली हूँ. सो दैट यू नो सेम स्पंज एप्लीकेटर सेम थिंग. मैं प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, बैक साइड से पूरे फेस को इस तरह से टैपिंग कर रही हूँ क्योंकि अगर कहीं पे भी ज़्यादा लग गया तो you know it will just come out like see. And look at this coverage, oh my god, oh my god. I'll just finish off my makeup and I'll come back to you again. Face mein abhi bhi makeup baki hai. Actually I want to apply the last shade, that is 330 toffee as my bronzer. To maine socha kyun na main aap logo ke samne laga ke dekhu ki ye waqai ye it can act as a bronzer or not. Just tap off the excess. Main product ko yahi par excess ko टैप ऑफ करती हूँ. ओ वाओ दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक अ ब्रॉन्जर. आई जस्ट लव द शेड, इट लुक्स सो नाइस एंड ब्यूटिफुल, वेरी नाइस एज अ ब्रॉन्जर. सो डेफिनेटली आप लोग एज अ ब्रॉन्जर इसे अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी फ्लॉलेस फिनिश. आई कम्प्लीट माई मेकअप यूजिंग अ ब्लश एंड मैं एसेंस की मैट ब्लश यूज कर रही हूँ.
as a highlighter I'm using Balm Mary Luminizer, but this is a mini size. से मैंने लगाया है इस कॉम्पैक्ट पाउडर को ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स हो गया. लगाने के बाद आई हैड सम वर्क, आई डिड दोस थिंग्स, घर पे ही मैं कर रही थी. द कवरेज इज प्रीटी मच गुड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कॉम्पैक्ट पाउडर यू कैन स्टिल सी माय ब्लशर एंड द हाइलाइटर. एंड यहाँ पे फुल मेकअप मैंने किया था आप लोगों के सामने, सो यू कैन सी इट्स लुकिंग even and flawless. Actually dono jagah pe hi even and flawless laga hai and I am amazed and stunned to see ki ye powder itna sasta hoke bhi itna acha performance karega. Now iske sath hai Misha mere paas hai, Jinisha bhi hai and dono yahan pe khel rahe hai jo 6 shades rakha hua hai unke sath, un sponges ke sath. No dush to me, theek hai je, no kotha. तो फेयर स्किन टोन अगर आपका है, सो 115 आइवरी एक्चुअली पिंक शेड है, लेकिन अगर आप में पिंक अंडरटोन है तो दिस विल लुक गुड टू फेयर पीपल. एंड 120 इज एक्चुअली गुड फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन पीपल. दिस हैज अ येलो अंडरस्टोन. ऑल्दो हैव यूज 115, लेकिन मैंने जब स्वॉच किया था मैंने देखा था 128 भी अच्छा लगता है. सो अगर आपके पास 115 है एंड आपको लगता है 128 आपको यूज़ करना है, देन आई जस्ट गिव यू एन एडवाइस, यूज़ 128 एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड यूज 115 एज योर हाइलाइटिंग पाउडर. हाइलाइटिंग पाउडर मीन्स चमकीला वाला नहीं, जस्ट टू सेट योर अंडर आइज. ओके, जो दो शेड्स है मेरे पास वो है 220 एंड 230 एंड वो है नेचुरल बफ एंड नेचुरल बेज. ये है मीडियम स्किन टोन्स के लिए. 220 एंड 128 इज गुड फॉर मीडियम स्किन टोन पीपल, बट वन लाइक 230 इट्स गोइंग टूवर्ड्स द डार्कर एंड डस्कियर स्किन टोन पीपल. लास्ट जो दो शेड्स हैं इस रेंज में एंड मेरे पास जो है वो है 310 एंड 330. दीज आर द टू शेड्स एंड मैंने 330 को एज अ ब्रॉन्जर एज अ कॉन्टूर मैंने यूज़ किया है, आपने देखा है. एंड एक्चुअली आई कैन यूज दिस एज अ ब्रॉन्जर ऑल्सो शेड 310. दिस इज गुड फॉर मीडियम टू डस्की, लाइक 310 मीडियम टू डस्की एंड फॉर द डस्कीज आई विल से 330. एंड अगर आपको लगता है आपका शेड यहाँ फिर भी नहीं है, देन यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच द शेड्स. यू जस्ट हैव टू स्क्रैप अ लिटल बिट ऑफ पाउडर ऑफ दिस वन एंड दिस वन, मिक्स अप विद समथिंग एल्स, ट्रांसलूसेंट व्हाइट पाउडर एंड यू कैन गेट योर शेड. ये एक छोटा सा टिप मैंने आपको दे दिया है. Really makes your skin feel like a, you know, as if you have applied a high-end product. My goodness, the coverage जो मुझे इससे मिला and MAC का जो मिलता है वो almost same जैसा ही मुझे लगा. So that is for 2700 rupees and this is only for 199 rupees. So I think Maybelline has done a great job. Guys, go and buy this one. Just you need to select the proper shade. So yeah, I hope I have been helpful to you. Like I always say, keep the smile on your face. And yes, we are going to meet again definitely in our next video. So till then, take care and bye.